सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ। दिन विशेष 4 अगस्त के लेकर, जी हाँ बहन भाइयों, तो सबसे पहले सी नारायण का आपको सस्नेह नमस्कार। 4 अगस्त के आज के दिन विशेष, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का सवाल और आज का सुविचार। तो चलिए बहन भाइयों, एक ही पैकेज में, एक ही जो पैकेज है जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल, जिसमें ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी भरी हुई है। तो चलिए बहन भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले 4 अगस्त के आज का ये सुविचार, सुविचार ये है कि भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। जी हाँ मैंने भाई, सुधारेंगे तो प्रगति हो जाएगी। तो फिर एक बार आज का सुविचार, भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। तो बहन भाइयों, ये हुआ आज का सुविचार। अब आज का सवाल, आज का सवाल ये है कि ऐसा कौन सा देश है भाई जहाँ कोई भी चींटी नहीं है। जी हाँ बहन भाइयों, फिर एक बार आज का सवाल दोहराने से पहले भाई इसे फिर एक बार गौर से सुन लीजिए, मैं इसे दोहराता हूँ। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कोई भी चींटी नहीं है। तो दिमाग की बत्ती जलाइएगा बहन भाइयों, और सोचिएगा और ढूंढिएगा जवाब। अगर आपको सवाल का जवाब ना मिले तो मैं हूँ ना, वीडियो के अंत तक इसे देखते रहिए, अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए बहन भाइयों, आज USA का कोस्ट गार्ड डे है, यानी USA तटरक्षक दिन है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय रहे, शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं भाई आज के दिन विशेष जो है 4 अगस्त के। और 4 अगस्त के ये रहे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। 1854 में जापान के जहाज में अधिकृत रूप से हिनुमारा ध्वज का उपयोग करना शुरू हुआ। 1914 में पहला महायुद्ध, जिसमें भाई जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया, और प्रतिउत्तर में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया, और इसमें अमेरिका तटस्थ रहा। 1924 में सोवियत यूनियन और मेक्सिको के बीच राजनैतिक संबंध प्रस्थापित हुए। 1947 में जापान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1956 में भाभा अनुशक्ति केंद्र स्तुर्भे में अप्सरा, ये देश की 6ठी अनुभट्टी शुरू हुई। 1994 में अपर वोल्टा इस देश का नाम बदलकर बुर्किना फासो रखा गया। 1993 में राजेंद्र खंडेलवाल, ये पुणे के एक अपाहिज जिद्दी साहसवीर ने समुद्र से 11,383 फीट ऊंची खारदुंगला इस खिंड को अपने 4 साथियों के साथ काइनेटिक होंडा से पार की, और इसकी दखल गिनीज बुक इस रिकॉर्ड ने भी ले ली है, जिसमें गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया है। 1998 में फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष कोरेझोन अयक्विनो, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार घोषित किया गया। 2001 में मरणोत्तर त्वचा दान करके दूसरों को जीवन देने वाली भारत की पहली स्किन बैंक मुंबई के लोकमान्य हॉस्पिटल में शुरू हुई। अमेरिका के नासा ने फिनिक्स ये अंतराल यान प्रक्षेपित किया, और साल था 2007। 1870 में लंदन में ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। 1886 में कोलंबिया ने नए संविधान का स्वीकार किया।
1935 ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एक्ट को मंजूरी दी। 1967 में तेलंगाना के कृष्णा नदी पर विश्व का सबसे लंबा पथरीला नागार्जुन धरण, ये सागर है नागार्जुन सागर धरण, इसका उद्घाटन किया गया था। 1181 कैसियोपिया में सुपरनोवा देखा गया। 1636 में जोहान मॉरिशियस डच ब्राजील के गवर्नर बनाए गए। 1666 में नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच समुद्री लड़ाई हुई। 1930 में बेल्जियम में बाल मजदूर कानून बनाया गया। 1954 में पाकिस्तानी सरकार ने हफीज जालंधरी इनके द्वारा लिखा गया एक गीत था, जिसके बोल थे पाक जमीन, इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाने पर सहमति जताई गई। 1997 में मोहम्मद खातेमी ईरान के राष्ट्रपति बने। 2001 में रूस और उत्तर कोरिया में सामरिक समझौता हुआ। 2004 में नासा ने एल्टिक्स सुपर कंप्यूटर केसी को, इसे कल्पना चावला का नाम दिया। 2007 में नासा ने मंगल ग्रह की खोज के लिए फिनिक्स मार्श लैंडर इस नाम का एक अमरीकी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया। 2008 में भारत सरकार ने भारतीय जहाज रानी निगम, शॉर्ट में SCI, इसको नवरत्न का दर्जा प्रदान किया। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन जो है 4 अगस्त के, पानीपत के तीसरे युद्ध के सर सेनापति सदाशिवराव भाऊ 1730, लुई विटोन इस कंपनी के निर्माता लुई विटोन 1821, ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन 1834, कायदे पंडित समाज सुधारक कांग्रेस के एक संस्थापक सर फिरोज शाह मेहता 1845, पतंजलि के संस्कृत भाषा के मराठी अनुवादक विद्वान महामहोपाध्याय वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर 1863, भारतीय धर्मगुरु ताहिर सैफुद्दीन 1888, मराठी साहित्यिक वक्ता नारायण सीताराम तथा नासी फड़के 1894, पार्श्वगायक संगीतकार पटकथा लेखक गीतकार निर्माता दिग्दर्शक अभिनेता, भाई इतने हैं और साथ में लेखक भी, आभास कुमार, नहीं भाई आभास कुमार तो ये नाम, इससे बढ़कर नाम है किशोर कुमार, तो इन दोनों में एक ही व्यक्ति के नाम है आभास कुमार या किशोर कुमार। 1929 में इनका जन्म हुआ था। विकेट कीपर बल्लेबाज नरेन तामाने 1931, भारतीय वकील पॉलिटिशियन एन रंगास्वामी 1950, अमेरिका के 44वें राष्ट्राध्यक्ष और कृष्णवर्णीय नोबेल पारितोषिक विजेता, पहले कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा जो दो बार हुए 1961 इनका जन्म है। भारतीय पॉलिटिशियन संदीप नाइक 1978, उदयपुर शहर के संस्थापक महाराणा प्रताप के पिताजी राणा उदय सिंह 1522, अभिनेता फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर अरबाज खान 1967, फिल्म डायरेक्टर कंपोजर विशाल भारद्वाज
1965, अभिनेत्री शशिकला 1932, अभिनेता दिलीप प्रभावलकर 1944, गायिका शरोन प्रभाकर 1955, समाजसेवक पुना ब्लाइंडमैन एसोसिएशन के सेक्रेटरी निरंजन प्राणशंकर पंड्या तथा एनपी पंड्या, इनका जन्म 4 अगस्त 1945 को हुआ था और मृत्यु 4 मार्च 2017 में हुई। ये दृष्टिबाधित थे। और कुछ जन्मदिन है जिसमें संगीतज्ञ लुई लुली 1664, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि परसी बिश शेली 1792, आयरलैंड के गणितज्ञ विलियम रोवन हैमिल्टन 1805, साहित्यकार इंदु प्रकाश पांडेय 1924, अभिनेत्री शमा सिकंदर 1981, अभिनेत्री याशिका आनंद 1999, भोपाल की बेगम साजिदा सुल्तान 1915, फिल्म डायरेक्टर और एक्टर कौशिक गांगुली 1968, क्रिकेट खिलाड़ी एबे कुरविला 1968, पाकिस्तानी कवि गुलाम मुस्तफा तबस्सुम 1899। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन जो है 4 अगस्त के, चीनी सम्राज्ञी लेडी जेन 221, फ्रांस का राजा हेनरी पहला 1060, डेनिश परिकथा लेखक हांस एंडरसन 1875, प्राच्य विद्या पंडित कायदे तज्ञ डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल 1937। 122 वर्ष और 164 दिन जीने वाली, जी हाँ बहनों भाइयों, गौर फरमाए फिर एक बार, 122 वर्ष और 164 दिन जीने वाली दीर्घायु महिला, ये फ्रेंच की महिला है जिनका नाम है जीन कालमेंट। जीन कालमेंट 1997 में इनकी मृत्यु हुई थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री और लेखिका नंदिनी सतपथी 2006। नोबेल पारितोषिक विजेता अंग्रेजी फिजियोलॉजिस्ट एडगर्ड एड्रिन 1977, नोबेल पारितोषिक विजेता अमरीकी बालरोग तज्ञ फ्रेडरिक चैपमन रॉबिन्स 2003। तो ये हुए आज के स्मृति दिन। इसी के साथ ही आज का ये दिन विशेष खत्म होता है, लेकिन भाई सवाल का जवाब बाकी है। तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि ऐसा कौन सा देश है भाई जहाँ एक भी चींटी नहीं है, जिसे मूंगी कहते हैं मराठी में और हिंदी में चींटी कहते हैं, इंग्लिश में एंट कहते हैं, ANT। तो एक भी चींटी नहीं है, ऐसा देश है जिस देश का नाम है ग्रीनलैंड। जी हाँ, दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर एक भी चींटी दिखाई नहीं देती और उस देश का नाम है ग्रीनलैंड। और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका कारण यह है कि यहाँ की परिस्थिति जो है जलवायु परिस्थिति होती है और सर्द मौसम होता है, इसके कारण यहाँ चींटी जीवित रहने के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पर शायद चींटियाँ नहीं हैं। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा। अब लेता हूँ अब विराम, क्योंकि आज का दिन विशेष यहीं तक। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा भाई, आपके लाइक पर ही तो हम जी रहे हैं। तो चलिए बहनों भाइयों, अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो दीजिएगा सी नारायण को आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, अलविदा।